जब हम होते तब तो नाही, अब तो ही मैं ना रविदास। जब हम थे प्रभु तो मेरी दुनिया में नहीं था, और जब से तो आया अब मैं नहीं, मिट गया। जब हम होते तब तो नाही, अब तो ही मैं नाही। प्रेम के संबंध में मनुष्य निछावर होता है, कुर्बान होता है, अपने आप को सजदा करता जो है, फिदा करता है, लेकिन अपनी जान को मामूली समझता है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसी हजारों जाने हो मैं कुर्बान कर दू। प्रेम में ऐसा उछाल आता है। इसके ऊपर भी आपको भाई साहब भाई नंदलाल का एक शेर सुनाऊं। भाई साहब भाई नंदलाल एक दिन हाथ जोड़कर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के आगे खड़े हैं और कहते हैं, गुफ्तम के जान दे हम, मेरी अर्जोई ये मैं अपनी जान आपके कदमों में रख दूं। लोग धन रखते हैं, बस्त्र रखते हैं, शस्त्र रखते हैं, सोना चांदी रखते हैं, ये सब मुझे छोटा कुछ भी प्रतीत नहीं। मैं चाहता हूं अपनी जान रख दूं आपके कदमों में। अब सतगुरु कहते हैं, नंदलाल तू व्यापारी का लड़का है, तेरा बाप बहुत बड़ा व्यापारी था, व्यापार खड़ा है लेने पर देने पर, देना है लेना है लेना है देना है, व्यापार इस पे खड़ा है, देना ही देना है लेना कुछ नहीं, दान लेना ही लेना है देना कुछ नहीं, लोभ लेना है देना है देना है लेना है, व्यापार इसको व्यापार कहते हैं। तू अपनी जान देना चाहता है, अब बदले में तुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए? कुछ ना कुछ तो तेरे अंदर लेने की कामना होगी। देने के लिए तू अपनी जान आया है, लेना क्या चाहता है? अब सदगुरु के सामने गलत बयानी कैसे करे, झूठ कैसे बोले? कहने लगा, हां महाराज कुछ लेने की कामना तो है। क्या बता, क्या चाहिए? गुफ्तम के जान दे हम, इबजे यक निगाहे तो तू बस एक रहमत की निगाह कर दे, मैं अपनी जान निछावर करूं और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तू एक रहमत भरी निगाह से मुझे देख ले। मनुष्य के हाथ ही नहीं बांटते, आंखें भी बांटती हैं। सिर्फ हाथों से ही नहीं दिया जाता, जुबान से भी दिया जाता है। सिर्फ हाथों से ही नहीं छीना जाता, जुबान से भी छीना जाता है। बड़े आराम से एक आदमी बैठा था, एक गाल निकाल दी, उसको गाली कठोरता से पेश है, उसका सारा सुख छीन लिया, बेचैन कर दिया उसको। मनुष्य सिर्फ हाथों से ही नहीं छीनता, जुबान से भी छीनता है। मनुष्य सिर्फ हाथों से ही नहीं देता, जुबान से भी देता है। केवल हाथ ही नहीं देते, आंखें भी बहुत कुछ बांटती हैं और आंखें भी बहुत कुछ छीनती हैं। गुफ्तम के जान दे हम, इवजे यक निगाहे तो है। महाराज कहते हैं, गुफ्ता मयान ने माओ तो सौदा न मे शब्द, ये सौदा हमें मंजूर नहीं। गुफ्ता मयान ने माओ तो सौदा न मे न शब्द। आप कहेंगे गुरु गोविंद सिंह ने बड़ी कठोरता दिखाई, नहीं। गुरु गोविंद सिंह महाराज कह रहे हैं, नंदलाल को समझा रहे हैं, ईश्वर की बख्शिश का मोल तेरी जान नहीं है। फिर तेरी जान और ईश्वर ये दोनों बराबर हो गए, उसकी कीमत, क्योंकि तू इवजाना मांग रहा है ना, इवजे यक निगाहे तो इवजे इवजाने में प्रभु की बख्शिश की कोई कीमत नहीं है। वो तो दान से मिलती है, कीमत से नहीं। कीमत पाए न कह जाए,
कहने वाले तेरे रह समान, उसकी कीमत नहीं है। वो तो जब मिलती है मिलती है, कीमत नहीं चुकानी पड़ती। आज तक तो कोई चुका नहीं सका। अवतारी पुरुषों से लेकर तमाम भक्तों ने कहा है, हे प्रभु तू मिला है, ये तेरी रहमत है, मेरी मेहनत नहीं। तू मुझे मिला है, ये तेरा प्रसाद है, मेरा प्रयास नहीं। एक ने भी नहीं कहा मुझे मिला है मेरे प्रयास से। पर कहीं ये भी मत समझ लेना मेहनत करनी नहीं, प्रयास करना ही नहीं। प्रयास कर करके ये पता चलता है, मेहनत कर करके ये पता चलता है, तेरी प्राप्ति मेहनत से नहीं होगी। तू मिला है, ये तेरी रहमत है, मेरी मेहनत नहीं। तू मुझे मिला है, ये तेरा प्रसाद है, मेरा प्रयास नहीं। एक ने भी नहीं कहा मुझे मिला है मेरे प्रयास से। पर कहीं ये भी मत समझ लेना मेहनत करनी नहीं, प्रयास करना ही नहीं। प्रयास कर करके ये पता चलता है, मेहनत कर करके ये पता चलता है, तेरी प्राप्ति मेहनत से नहीं होगी। ये पता चल जाता, बिना मेहनत किए ये पता भी नहीं चलता। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, गाल ना मिलियो, सेव ना मिलियो, मिलियो आए अचिंता अचिंचेत। मिल गया है वो, मेरी मेहनत से नहीं, गालना से नहीं, मेरी तपस्या से नहीं, मेरे दान पुण्य से नहीं। अगर इससे मुझे मिला है तो ये उसकी कीमत होगी। कोई भी इतना जप कर ले प्राप्त कर ले, कोई भी इतना तप कर ले प्राप्त कर ले, नहीं। तप कर करके पता चलता है, तप उसकी कीमत नहीं है। मेहनत कर करके ये पता चलता है, मेहनत उसकी कीमत नहीं है। उसकी तो रहमत है, वो बख्शिश करता है, मिल जाता है। पर मेहनत कर करके ये पता चलता है, कोई भी मेहनत उसकी कीमत नहीं है, उससे पहले पता भी नहीं चलता इतना मेहनत का लाभ है। ये दूसरा संबंध प्रेम का है। हम संसार में भी ये प्रेम का संबंध स्थापन कर सकते हैं प्रभु से। प्रेम में बराबरी होती है, बड़ा छोटा नहीं रह जाता, ये भी मैं अर्ज करता हूं। प्रेम सम कर देता है, लोभ सम नहीं करता। एक देने वाला है, एक लेने वाला है, एक छोटा है एक बड़ा है। प्रेम में दोनों बराबर हो जाता है। जैसे एक संबंध, उस ऐतिहासिक घटना, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पांच प्यारों को अमृत छकाया था। अब वो अमृत स्वरूप हैं, अमृत के सागर हैं गुरु गोविंद सिंह, लेकिन फिर उन पांचों को कहते हैं अब मुझे छकाओ। अब जब वो अमृत के सागर हैं, या उन्होंने भी अमृत पान करना है, अभी वो अमृतमयी नहीं हुए, तो अमृत छकाया कैसे उन्होंने? वो तो अमृत के सागर हैं, वो तो अमृत स्वरूप हैं। पर ये क्यों कह रहे हैं अब मुझे छकाओ? दरअसल गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को ख्याल आया, मैं छकाने वाला और ये छकने वाले, ये लेने वाले मैं देने वाला, मैं गुरु ये चेले, ये बराबरी नहीं है। सतगुरु का सिखों से प्रेम बड़ा था, खालसे से प्रेम बड़ा था। बड़ी भारी उपमा की है उन्होंने अपनी वाणी में। यहीं पर आकर दूसरे भाई गुरुदास ने कह दिया, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, मैं गुरु बना तुम चेले बने, ये बराबरी नहीं।
अब मैं चेला बनता हूं तुम गुरु बनो, बराबरी करते हैं। प्रेम में बराबरी होती है। अब इतनी उपमा करते हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं तो मोसे गरीब करोड़ परे। मेरे जैसे गरीब करोड़ों भटक रहे हैं, ये तो खालसे की महिमा है। मैं इतनी शान शौकत से हूं, इतनी उपमा करते हैं, इतनी महिमा गायन करते हैं। जिससे प्रेम हो फिर मनुष्य उसकी महिमा गायन ही करता है। ये भी मैं अर्ज करूं, एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। एक व्यक्ति से प्रेम है, मित्रता है, अब उसमें गुण ही गुण दिखाई देते हैं, अवगुण नहीं, क्योंकि मित्र है, दोस्त है। एक दिन उससे झगड़ा हो गया, मित्रता टूट गई, स्वार्थ टकरा गया, दुश्मनी हो गई। जितनी बड़ी मित्रता थी उतनी बड़ी दुश्मनी। अब 8 फुट से कोई गिरेगा तो थोड़ी बहुत तो चोट लगेगी, और जो 800 फुट से गिरेगा, 8000 फुट की बुलंदी से गिरेगा तो चिकना चूर होगा। जितनी बड़ी दोस्ती होगी दुश्मनी भी उतनी बड़ी होगी। ये भी मैं अर्ज करता हूं, दो भाइयों के बीच जैसी दुश्मनी होती है और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इतना बड़ा भाईचारा, इतना प्यार, अब नफरत भी उतनी होगी। अगर दोस्ती टूट गई है, भाईचारा टूट गया तो मित्रता भंग हो गई, स्वार्थ टकरा गए, अब उसमें अवगुण ही अवगुण दिखाई देते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि उसमें कोई गुण नहीं है, अब दृष्टि बदल गई। इसको कहते हैं शुभ दृष्ट दोख दृष्ट। दोख दृष्ट हो तो दूसरे में अवगुण ही अवगुण दिखाई देंगे, शुभ दृष्ट हो तो दूसरे में गुण ही गुण दिखाई देंगे। ये शुभ दृष्टि समस्त संसार के प्रति हो जाए तो फिर समस्त संसार में गुण ही गुण दिखाई देते हैं, और गुणों से ही दोस्ती हो सकती है, फिर सबसे संबंध जुड़ जाता है। जैसे गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, सबको उम्मीद हम आपन कीना, हम सबना के साजन, दूर पर आयो मन का बिरहा, तो मेल कियो मेरे राजन। प्रेम का संबंध। एक तीसरा संबंध उसे श्रद्धा का संबंध कहते हैं। हे गुरु तू कितनी भी बराबरी दे फिर भी बड़ा है, फिर भी बड़ा है। बाप और मां बच्चे को कितनी बराबरी दें फिर भी मां तू बड़ी है, पिता तू बड़ा है। गुरु कितनी भी बराबरी दे फिर भी गुरु तू बड़ा है। परमात्मा तू कितनी अपने में लीन कर ले बराबरी दे, बूंद को लीन करके सागर बना दे, फिर भी सागर सागर ही है, फिर भी परमात्मा परमात्मा है। संबंध बनाए ये श्रद्धा का। तू महान है मैं तुच्छ हूं, तू सागर है मैं तेरी बूंद, तू बहुत बड़ा है मैं छोटा हूं, तूने अपने निकट बुला लिया है, ये तेरी बख्शिश है, ये तेरी रहमत है। श्रद्धा का संबंध। प्रेम में बराबर थे, लोभ में भी छोटे थे बड़े थे। लोभ में देने वाला बड़ा था, लेने वाला छोटा था, छोटा बड़ा वहां भी था, पर वहां जो छोटा है वो अपनी मजबूरी को देखता है और उसको दुख भी होता है, लेता भी है और दुखी भी है। ये भी मैं अर्ज करूं, श्रद्धा का संबंध। यहां जो वो देखता है
कि मिल रहा है मुझे प्रभु से, वो ऐसा है जैसे मां प्यार से भोजन खाने वाला बच्चे के मुंह में डाल रही। वहां वो अपनी मजबूरी नहीं समझता, वो प्रभु की बख्शिश समझता है, उसकी रहमत समझता है। श्रद्धा का संबंध तो बड़ा है, बड़ा है। कितनी भी बराबरी दे तो महान है, महान है। ये श्रद्धा का संबंध इस युग में, इस समय श्रद्धा खो गई है। पता है क्यों? किसी को बड़ा मानना बहुत मुश्किल है। शेख सादी साहब अपने शागिर्दों के प्रति कहते हैं जिन जिन को मैंने तीर चलाना सिखाया ना, उन्होंने सबसे पहले मुझे ही निशाना बनाया। शेख साहब, जिसको भी मैंने तीर चलाना सिखाया, जैसे वो सीख गया, उसने सबसे प्रथम मुझे निशाना बनाया। मेरे पास से कोई 50-60 विद्यार्थी होकर गुजरे हैं, कर रहे हैं कथा, कहीं बाहर हैं, कुछ यहां हैं, सेवा कर रहे हैं, पर 5-6 का मुझे अनुभव है। कोई भयंकर से भयंकर दुश्मन भी इतनी दुश्मनी नहीं कमा सकता जो उन्होंने कमाई। ऐसा कोई इल्जाम, ऐसा कोई दोष है नहीं जो उन्होंने आयद नहीं किया। ये बात अलग है, उनका चलाया हुआ तीर निशाने पे नहीं लगा, लेकिन चलाए बहुत। इसका मुझे दुख इसलिए नहीं हुआ कि ईरान का एक इतना बड़ा संत शेख सादी, सारा ईरान जिसकी पूजा करता है, वो कहता है मैंने जिसको तीर चलाना सिखाया उसने मुझे निशाना बनाया। फिर मुझे ख्याल आया, कोई नहीं, अपने तो 5-6 नहीं मुझे निशाना बनाए, बाकी तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। सारे बोए हुए बीज भी नहीं उगते ढंग से, कुछ रह जाते, ऐसा हो जाता है। अहंकार बहुत प्रबल हो जाए तो उस्ताद को बड़ा मानना मुश्किल हो जाता है, मां बाप को बड़ा मानना मुश्किल हो जाता है, टीचर को बड़ा मानना मुश्किल हो जाता है। आज सारी दुनिया में टीचर, अध्यापक, प्रोफेसर का सम्मान खो गया, नहीं है, मां बाप का भी खो गया। एक जमाना था जब बच्चे मां बाप के सामने ऐसे झुकते थे जैसे भगवान के सामने, जैसे पश्चिमी तहजीब, वेस्टर्न का यहां बोलबाला हुआ है, ये सब कुछ खो गया, भारतीय संस्कृति मिट गई। अहंकार इतना बढ़ गया किसी को बड़ा मानना ही मुश्किल है। हे प्रभु, तेरे से संबंध श्रद्धा का तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये श्रद्धा का संबंध परमात्मा से हो सकता है, टीचर से हो सकता है, उस्ताद से हो सकता है, विद्या गुरु से हो सकता है, मां बाप से हो सकता है, बड़े भाई से हो सकता है। श्रद्धा एक चौथा संबंध है जिसको गुरुवाणी में कहते हैं भक्ति का संबंध। भक्ति का संबंध यहां फिर कोई छोटा बड़ा नहीं रह जाता, यहां फिर भगत पुकार उठता है, ठीक है प्रभु तू सागर है पर मैं तेरे से निकली हुई बूंद हूं, लहर हूं, तू सूरज है मैं तेरे से निकली हुई किरण हूं, अगर तू नहीं तो फिर मैं नहीं, तू है तो मैं हूं, तेरे साथ मेरा होना है, मेरी होंद से तेरा होना है, इसलिए तेरे मेरे में अंतर ही नहीं, मोही तो ही मोही अंतर कैसा,
रविदास, तेरे में मेरे में अंतरा क्या है। हमारे देश में कुछ लोगों ने अहम ब्रह्मस्मि भी कह दिया, हम ब्रह्म है, जो ब्रह्म का रूप हो गए। अगर ऐसा कहा है तो दोष नहीं है। कबीर कह रहे हैं, बिगड़ो कबीरा राम दोहाई, साच भयो अन कते न जाई। संतों की संगत में ऐसा प्रभाव पड़ा, कबीर कहते मैं तो सच हो गया, परमात्मा का रूप हो गया, मैं तो स्वयं परमात्मा हो गया। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक बै हैं, कोई न सके पछानी। हम बूंद हैं, बूंद का भविष्य क्या है, सागर होना। हम एक किरण हैं, किरण का भविष्य क्या है, सूर्य होना। हम एक मनुष्य हैं, हमारा भविष्य क्या है, भगवान होना, और कोई हमारा भविष्य नहीं। जब तक नहीं होंगे, ये जन्म लेते रहेंगे, मरते रहेंगे, रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, परेशान रहेंगे, बेहाल रहेंगे, जब तक भगवान नहीं हो जाते बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। खैर, इस बात को उन्होंने गहराई से नहीं लिया। मैं आपसे अर्ज करूं, आप सबका भविष्य भगवान होना। जितनी नदियां बह रही हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, जमुना, दरियाए सिंध है, इराक में दजला है, फरात है, मिस्र में नील नदी है, इंग्लैंड में थेम दरिया है, ये नर्मदा है, गोदावरी है, तमाम दरियाओं का, तमाम नदियों का एक भविष्य है, सागर होना, और कुछ भी नहीं। नदी छोटी है, सागर होना। मनुष्य कितना भी बड़ा हो जाए, कितना बड़ा दरिया हो जाए, फिर भी सागर नहीं है, असीम नहीं है। उसमें लपक बनी रहेगी कि मैं अभी भी कुछ नहीं, अभी भी कुछ नहीं। बहना जारी रहेगा, दरिया का बहना जारी रहेगा। कब तक? जब तक सागर में लीन नहीं हो जाए। जन्म मरण चलता ही रहेगा, हमारा चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, जब तक हम परमात्मा में लीन ना हो जाए। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया। उस दिन हम संपूर्ण होंगे, उससे पहले अधूरे हैं। बड़ा परिवार मिल गया, अधूरे हैं। बहुत बड़ा कारोबार मिल गया, अधूरा है। बहुत बड़ा औहदा मिल गया, मिनिस्टर हो गया, बड़ी पदवी मिल गई है, अधूरा है। बहुत सुंदर है, गुणवान है, बड़ा ज्ञान मिल गया, अधूरा है। जब तक भगवान नहीं मिला तब तक अधूरा ही है, अधूरा ही। मनुष्य उस दिन संपूर्ण होता है। कब होता है? गुरबानी के वाक याद रखना, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम। बड़ी एकाग्रता से आपने शरण की है, धन गुरु ग्रंथ साहब के चरणों में अरदास है, विनय है। सुना हुआ आपका सफल हो, सुनाया हुआ मेरा सफल हो, सुनाकर मुझे भी वो अवस्था मिले जिसका मैंने बयान किया है, और सुनकर आपको भी वो अवस्था प्राप्त हो। कोई गावे को सुने हर नामा चितलाए, कहो कबीर संसार नहीं।